सो हाय एवरीवन, मैं अलोक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में डी फार्मा बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बेसिकली जानने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एडमिशन पा सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो एडमिशन होता है एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपके हर एक डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी साइट www.pharmabionline.com पर भी मिल जाएगी। जैसे हम लोग इस पे आते हैं और साइट को ओपन करते हैं, तो आपके सामने जो है एक सर्च बार का ऑप्शन आता है। आप लोग सिंपली सर्च करके और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो नैक से A++ इसको मिला हुआ है रैंक। कहने का मतलब क्या है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इंडिया में, ओवरऑल उनको नैक के द्वारा भी जो है काफ़ी सारे उनके परसेंटाइल मिलते हैं, और उनके वर्क के बेसिस पे, वर्क बेसिस नहीं, बेसिकली उनके एजुकेशन के बेसिस पे, किस तरीके के वहाँ पर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराई जा रही है, वहाँ का एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है और साथ ही साथ वहाँ पर किस तरीके के फैकल्टी मेंबर हैं और उसका प्लेसमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए नैक जो है इनको A++ की जो रैंकिंग यहाँ पर मिली हुई है लखनऊ यूनिवर्सिटी को। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में पड़ती है। यहाँ पर समझिएगा आप लोग, सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो होता है डी फार्मा और बी फार्मा। क्या डी फार्मा एडमिशन होता है और साथ ही साथ बी फार्मा का भी एडमिशन होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि देखिए, यहाँ पर जो बी फार्मा का एडमिशन होता है वो होता है AKTU के काउंसलिंग के थ्रू। कहने का मतलब क्या है कि जो भी AKTU का काउंसलिंग होता है, और इस बार दोस्तों AKTU का जो काउंसलिंग होगा वो होगा CUET के बेस पे, ठीक है। तो अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि CUET का फॉर्म फिल किए हुए हैं, ठीक है, वो जो है अब अपियर कर सकते हैं, वो जो है अप्लाई कर सकते हैं बी फार्मा कोर्स के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोगों को फिर अगले यानी कि नेक्स्ट ईयर करना होगा। अब यहाँ बात आती है डी फार्मा कोर्स के बारे में। तो देखिए, डी फार्मा कोर्स का यहाँ पे किस तरीके से एडमिशन मिलता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ का जो फॉर्म है दोस्तों वो आ चुका है, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म आ चुका है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म का स्टार्टिंग जो डेट है वो है 28 मार्च। कहने का मतलब क्या है, मार्च से ही इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है, और मार्च से ही दोस्तों जो है यहाँ पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। क्लोजिंग डेट है वो है मई, यानी कि मई में 31 तक जो है इसका पूरा का पूरा जो है प्रोसीजर चलने वाला है फॉर्म फिलिंग का। अभी आज 15 अप्रैल है, तो काफ़ी सारा टाइम है, आप लोग आराम से जो चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट इसका कब होगा वो देखो, 15 जून को, ठीक है, 15 जून को टेस्ट होगा, और साथ ही साथ रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो होगा 7 जुलाई को, और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा वो होगा 10 जुलाई को इसका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो अब यहाँ बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्या है इस फॉर्म को फिल करने की, तो एलिजिबिलिटी जो है वो आपके 10th+2 फाइनल होने चाहिए और आपके मिनिमम जो है 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। चलो अब बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में जो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरोगे, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसका, एग्ज़ाम पैटर्न उसका बड़ा ही सिंपल है। 100 MCQ आएंगे, ठीक है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो है, ठीक है, इसमें से 100 नंबर में यानी कि 100 क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स से, ठीक है, 10th+2 लेवल, यानी कि 12th में जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसके लेवल पर रहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, और रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे मैथ एंड बायोलॉजी लेवल के। कहने का मतलब क्या है कि जो भी डी फार्मा के कैंडिडेट होते हैं, डी फार्मा जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको जो है एलिजिबिलिटी जो होती है उनकी, वो या चाहे तो मैथमेटिक्स से किए हों और चाहे तो बायोलॉजी से किए हों, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं बी फार्मा डी फार्मा दोनों कोर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है बेसिकली कि जो 50 क्वेश्चन होंगे वो होंगे अगर आप बायो सेक्शन से होंगे, ठीक है, यानी कि अगर आप पास 12th में बायोलॉजी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आपके 50 क्वेश्चन बायोलॉजी से होंगे, अगर मैथमेटिक्स होगा तो आपके 50 क्वेश्चन मैथ से होंगे, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलो अब यहाँ बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस कितना है। तो देखो, एप्लीकेशन फ़ीस अप्लाई करने के लिए है वो 1000 रुपये हैं OBC कैटेगरी के लिए, और SC कैटेगरी के लिए 500 रुपये हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर कितना है। तो देखिएगा, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डी फार्मा कोर्स जो है यहाँ पर होता है, और अभी जो इसी का फॉर्म निकला हुआ है, बी फार्मा कोर्स का जो फॉर्म फिलअप हो रखा है CUET के थ्रू, ठीक है, तो डी फार्मा के लिए अलग से एग्ज़ाम लेते हैं जिसका
फीस है वो 80,000 रुपये पर ईयर है, ठीक है, पर ईयर 80,000 रुपये। फीस थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, अगर आप लोग ऑफिशियल साइट पे जाना चाहते हो तो ऑफिशियल साइट पे आप लोग यहाँ से जा सकते हो। अप्लाई करने कैसे कैसे करना, तो यहाँ पे अप्लाई हियर का ऑप्शन है, आप लोग सिंपली इस पर करना है क्लिक। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग डायरेक्टली जो है अप्लाई वाले ऑप्शन पर पहुँच जाओगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर दे रखा है कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है। यहाँ एग्री करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपको, ठीक है, उसके बाद से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है दोस्तों। और आप लोग जाओ साइट पर विजिट करो, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं जिनका मैंने, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी है अपनी साइट पर। तो आप लोग को बहुत सारी वहाँ पर यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज के बारे में। सिंपली आप लोग जाओ साइट पर, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज का वहाँ पर सेक्शन शो होगा, आप लोग जो कॉलेज चाहो उसके बारे में देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे ऐसे एक शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।